जो आपका सवाल था कि कोर्ट छोटा है, उसमें मेरी थोड़ी सी जुदा राय है। स्पोर्ट्स हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है वो छोटा नहीं, बैडमिंटन कोर्ट का जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है। ये बैडमिंटन कोर्ट बड़ा तो अच्छा है, पर इसमें होनी चाहिए कि ये लंबाई कोर्ट की बढ़नी चाहिए। पर ये जो बैडमिंटन कोर्ट खुला है आप क्या कहें? ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कोई स्पेस चाहिए, तो हमने ये क्रिएट किया है। और जब से ये बना है बच्चे बहुत खुश हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कह रहे हैं कोर्ट छोटी है, वो हमें नहीं आइडिया, वो हमारे जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे। कुछ ना होने से तो बेटर है, कोर्ट छोटी नहीं है, बच्चे खेलेंगे, इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे इससे और बेटर करें, बस इतना ही कहना है। और अच्छा लगा ही, फैसल भाई ने बहुत मेहनत किया, अतर भाई ने, हमारी पूरी टीम ने, इन सारा अप्रिशिएट इन सबको जाता है, और अच्छा लगा, सोसाइटी के लिए अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। छोटा नहीं है, ये एक पहली शुरुआत है एक पॉजिटिविटी की तरफ। एटलीस्ट हमारा ये वेस्ट एरिया था जिसको हमने एक अच्छा डायरेक्शन दिया है, और माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कितने पॉजिटिविटी से सारे लोग एक जगह जुड़े हैं, बच्चे अच्छी एक्टिविटी में हैं। और कोई भी बच्चे हैं, अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उन्हें अच्छा ग्रो होना है, तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी नियत से हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि एक अच्छी स्पोर्ट्स की नींव रखी जाए। इसके आगे हमारा इरादा है कि यहाँ पे सिंथेटिक करके शायद बास्केटबॉल और भी चीज़ें करेंगे। देखिए, जसूला हाइट्स के सारे रेजिडेंट्स ने, RWS ने बहुत अद्भुत काम किया है। जब प्रशासन कोई काम नहीं करता तो लोगों को खुद उठना पड़ता है, और DDA यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह करता है, और आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर इन्होंने जो भी इनके पास जितना स्पेस था, खुद अपने टाउन से सबों ने मिलकर, पूरी RWS ने, सोसाइटीज़ ने मिलकर यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाया है, बहुत शानदार है। बच्चे भी चाहते हैं, देखिए जिन कॉलोनीज़ में, आप दिल्ली एक कंजेस्टेड शहर बन चुका है, 2.5 करोड़ की आबादी वाला एक शहर है, उस शहर के अंदर 1 इंच भी जगह किसी को एक्स्ट्रा दिख जाए तो लोग चाहते हैं वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स की उसको पब्लिक यूज़ में किस तरीके से लाया जाए। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्पेसिस हैं मगर इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस इस्तेमाल में बैडमिंटन कोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के और भी मजीद जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। अच्छा आले साहब, यहाँ पे बगल में लगभग 10-12 लाख की आबादी है, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ना टहलने की, ना घूमने की, इवन आगे क्या बताएं, आप तो समझ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखा जाएगा उसमें, एरिया लोकल काउंसलर्स से बात करी जाए, और अगर वो कॉरपोरेशन के पार्क हैं तो उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसको बनवाया जाए, और मुझसे एज अ डिप्टी मेयर जो मदद चाहेंगे इलाके के काउंसलर्स, में इंशाल्लाह देने को तैयार हूँ। एज अ मेयर, आपकी पार्टी लगातार जो है स्वच्छ भारत चला रही है अभियान, उसमें काफ़ी कॉपरेट हो रहा है, लेकिन स्वच्छता के मामले में ओखला का इलाका तकरीबन जीरो। यार देखिए, मेरा ये मानना है जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जनता, ये दोनों की मिलीजुली सरकार है। सफाई अकेले नहीं कर सकता, सफाई कर्मचारी सफाई करके चले जाता है। सिर्फ मैं ओखला की बात नहीं कर रहा, मैं अगर पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, हम एक खुद ही हम लोगों को एक जन आंदोलन बनाकर एक चेंज अपने अंदर से लाना होगा। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद की आदत बदलने का शौक, तो हमें लोगों को भी थोड़ा सा एक सेल्फ डेकोरम बनाना पड़ेगा कि जब सफाई वाला सफाई करके चले आता है, फिर आधे घंटे बाद फिर वहीं पर कूड़ा आ जाता है, फिर कूड़े का ढेर हो जाता है, तो हमें इस चीज़ से जागरूक होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सारे काउंसलर्स को मिलकर और लोगों को मिलकर, RWS को मिलकर, मार्केट एसोसिएशन को मिलकर एक सफाई को लेकर एक महाअभियान चलाना चाहिए अपने एरिया में, एक ऐसा अवेयरनेस कि जो महज चंद दिनों का ना हो, चंद महीनों का ना हो, जो लाइफ टाइम हो, ऐसा अवेयरनेस करना चाहिए। आखिरी सवाल स्पोर्ट्स के ऊपर, मेयर हैं, सवाल ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज पे ये आरोप लगता है, खासतौर से आपके पार्षदों पे, कि वो फर्जी हाजिरी लगवा लेती हैं और सफाई मुलाजमीन आते ही नहीं ग्राउंड पे। देखिए, इस बारे में अभी कुछ नहीं है, अगर ऐसी शिकायत है तो मेरे पास सिविक सेंटर में दे दें, बाकी मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, और ज़्यादा भी इस एरिया के बारे में मुझे इतना नॉलेज है नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो वो हमको आके बताएं, वहाँ के लोकल लोग आके बताएं, उस पर जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया कोर्ट बनाया है इन्होंने, दम
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत ही पड़ती है अब, और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, लाइट लगा दी है, बहुत अच्छा नेट भी अच्छा है, सब कोई खेल सकते हैं आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो खुला है हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो बैडमिंटन कोर्ट है ना, उसमें हमने बैडमिंटन खेलते हैं, वो हमें हम पहले बी ब्लॉक पार्किंग में खेलते थे, अब हमारे यहाँ पे जगह हो गई है तो फिर तो हम अब यहाँ पे खेलेंगे, अब आसानी हो गई है खेलने में और नेट भी लग गया है तो बहुत खुशी हुई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट खुला है। इस बैडमिंटन कोर्ट में हमारे पास अच्छे नेट्स हैं और अच्छी जगह है खेलने के लिए, बड़ी जगह है, दो कोर्ट्स बने हैं और अच्छा है, लाइटिंग लाइट भी अच्छी आ रही है और मतलब खेलने में मज़ा भी आ रहा है कि बहुत सारे बंदे एक साथ खेल रहे हैं तो मज़ा भी आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये DDA ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से पेंडिंग था ये प्रोजेक्ट की, बहुत टाइम से प्लानिंग हो रही थी कि बैडमिंटन कोर्ट बनेगा पर मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा था, पर अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है कोर्ट और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोर्ट बन गया है और अब हमें बाहर कॉम्प्लेक्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे खेल। ये बैडमिंटन कोर्ट बना तो अच्छा है पर इसमें होनी चाहिए कि ये लंबाई कोर्ट की बढ़नी चाहिए, पर क्या इसकी लंबाई बढ़नी चाहिए कोर्ट की, क्योंकि ये बहुत छोटी, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कोर्ट नहीं है, आप देख सकते हैं नेट बहुत ही छोटी डिस्टेंस से बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट की डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। कोर्ट तो सही बनाया, सही कोर्ट बनाया आज तो नया बैडमिंटन कोर्ट बना है यहाँ पे, सब लोग खुश है, यहाँ पे मस्ती से खेल रहे हैं सब लोग। अब कल यहाँ पे कोर्ट छोटा नहीं है, छोटा तो कोर्ट है, क्वालिफिकेशन होंगे कल और परसों फाइनल है, देखते अब कौन जीतता कौन हारता। या इट वाज रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द RWA। नहीं, कोर्ट छोटा है बट और भी पार्क में बनाने के प्लान्स हैं, ये इतना ही स्पेस था तो दो कोर्ट यहाँ बन गए, तो बच्चों के लिए एक फैसिलिटी हो गई है इंडोर, वरना तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते थे या इधर उधर रहते थे, एक फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। आज आलिक बाल साहब आए हैं, उनके सामने भी प्रपोजल रखा गया है कि जो और स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे भी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए मैदान बनाया जाए। जो आपका सवाल था कि कोर्ट छोटा है, उसमें मेरी थोड़ी सी जुदा राय है। स्पोर्ट्स हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है वो छोटा नहीं, बैडमिंटन कोर्ट का जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन हाँ आपको लग रहा होगा शायद क्योंकि बाहर का जो स्पेस है उसकी वजह से आपको कंस्ट्रेंट लग रहा होगा, अदरवाइज साइज़ हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। जहाँ तक सवाल इस फैसिलिटी का है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड, जो मैंने अपनी वहाँ पे स्पीच में भी बोला, ये काम 10 साल से इसकी कवायद चल रही थी, 2013 से लोगों ने यहाँ पर आना शुरू हुआ सोसाइटी के अंदर। आले भाई ने बहुत अच्छी बात कही, जब 10 साल आपने यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोला, DDA को बोला, जब उन्होंने उस काम को नहीं अंजाम दिया तो पब्लिक को खुद करना पड़ता है, पब्लिक को खुद सड़कों पर भी आना पड़ता है। उसी काम के तहत हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया, यंग टीम है हमारी, जैसे एक कहावत है ना कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, और एक स्पोर्ट्स जो पैशन है आपका वो हमेशा आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर आदमी के अंदर टीम स्पिरिट और चीज़ को जीतने की स्पिरिट आती है, कभी उसमें आदमी हार नहीं मानता, तो वो चीज़ आपके अंदर लाइव रहनी चाहिए। उसी के तहत ये शुरुआत है, दिस इज ओनली द बिगनिंग, दिस इज नॉट द एंड, एंड द स्काई इज द लिमिट। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता इसको इम्प्रूव करते रहें, चाहे इसके ऊपर की कोर्ट की बात है और फैसिलिटी करना, बास्केटबॉल सेंट्रल पार्क में हम कुछ एक्टिविटी कर पाएँ। ये शुरुआत है, ये एक रास्ता दिखाया गया है।